बज्जिका मैथिली भाषा का ही एक रूप है, मैथिली भाषा की ही एक बोली है। बज्जिका को अभी तक भाषा का दर्जा नहीं मिला है, पर बज्जिका भाषी निरंतर बज्जिका बोली को एक स्वतंत्र भाषा की दर्जा प्राप्त कराने के लिए आवाज़ उठाते रहे हैं। 2001 की जनगणना के अनुसार लगभग 1,15,00,000 लोग बज्जिका बोलते हैं। बिहार में तिरहुत प्रमंडल के वैशाली, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर जिला तथा दरभंगा प्रमंडल के समस्तीपुर तथा दरभंगा के पश्चिमी भाग में 1,00,00,000 से ज़्यादा लोग द्वारा बज्जिका बोली जाती है। 2001 के आंकड़े के अनुसार नेपाल की तराई क्षेत्र में 2,38,000 लोग बज्जिका बोलते हैं, जो कि कुल जनसंख्या का 1.05% है। वर्तमान में बज्जिका का दर्जा हिंदी की लोक भाषा के रूप में है। राज्याश्रय का अभाव, विद्वानों के असहयोग एवं पर्याप्त साहित्य भंडार के अभाव में बज्जिका की पहचान भाषा के रूप में नहीं बन सकी। बज्जिका आज भी ज्यों के त्यों अपने प्राचीन स्वरूप में विद्यमान है। ऐसा बज्जिका भाषा के स्वतंत्र अस्तित्व की ओर संकेत करने वाले पंडित राहुल सांकृत्यायन थे, उनका कहना है। साथ ही वो ये भी कहते हैं कि बज्जिका क्षेत्र के ज़्यादातर पढ़े लिखे लोग भाव संप्रेक्षण हेतु हिंदी का इस्तेमाल करते हैं। आज इसे लुप्त प्राय भाषा की श्रेणी में डाल दिया गया है। बज्जिका मैथिली की बोली है। मैथिली वक्ता और नेताओं के द्वारा निरंतर प्रयास से अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मिथिलांचल की भावना का सर्वाधिक ख्याल रखा और दिसंबर 2003 में मैथिली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने का फैसला लिया, जो कि 23 वर्ष से केंद्र के समक्ष अटका पड़ा था। मुख्यमंत्री के रूप में कर्पूरी ठाकुर और जगन्नाथ मिश्र ने इस प्रस्ताव को लेकर केंद्र सरकार को भेजा था। पंडित राहुल सांकृत्यायन का कहना है कि मैथिली भाषा के विपरीत स्थानीय समाज के समक्ष संपन्न तबकों में बज्जिका को लेकर गौरव का अभाव है। स्थिति ऐसी है कि अगर कोई अन्य बिहारी भाषा बोलने वाला सामने मौजूद हो तो दो बज्जिका भाषी आपस में हिंदी में ही बात करते हैं। भाषा विज्ञान को लेकर शोध करने वाली कई संस्थाएं तथा वेबसाइट ने इसे लुप्त प्राय भाषा की श्रेणी में रखा है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। जय मिथिला, जय बिहार।